राजस्थान का कोटा शहर अपने कोचिंग स्कूलों के लिए मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर के भीतर एक शानदार किला भी है जो शहर के गौरवशाली इतिहास का गवाह है। ये कोटागढ़ है, जिसे सिटी पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। ये कोटा शहर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो अपने शानदार चित्रों और एक संग्रहालय में रखी बेशकीमती शाही चीजों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। पुराने शहर के बीचों बीच 13वीं शताब्दी में बना ये किला कभी रियासत का सत्ता केंद्र हुआ करता था। इस रियासत पर हाड़ा राजपूत महारावों का शासन होता था। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर हाड़ा क्षेत्र में स्थित कोटा शहर मध्यकाल में अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से एक प्रमुख क्षेत्र था। चंबल नदी की उपजाऊ जमीन की वजह से ये प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध था। ये सामरिक दृष्टि से उदयपुर, जयपुर, गुजरात और मालवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से घिरा हुआ था। ये गुजरात और दिल्ली के बीच व्यापारिक मार्ग पर भी था। ऐसा माना जाता है कि कोटा का नाम भील सरदार कोटिया के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 13वीं सदी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। सन 1264 में बूंदी के राजपूत साम्राज्य के राजकुमार जेत सिंह ने कोटिया को हराकर उनकी हत्या कर दी थी और फिर कोटागढ़ की नींव रखी थी। चंबल नदी के पूर्वी तट पर एक ऊंचे स्थान पर होने के कारण किले के नदी के साथ साथ शहर पर भी नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन कोटा को महत्व कई सदियों बाद मिला। मुगल बादशाह जहांगीर ने सन 1624 में कोटा को बूंदी राज्य से अलग करके उसे एक स्वतंत्र रियासत घोषित कर दिया और बूंदी के राजकुमार राव माधो सिंह को शासक बना दिया। उसी के बाद ही किले को महत्व मिला था। राव माधो सिंह के शासनकाल में कोटा एक खुशहाल राज्य बना और उनके वंशज सन 1947 तक कोटा पर शासन करते रहे। उसके बाद कोटा भारतीय संघ में शामिल हो गया। आगे आने वाले सालों में शासकों ने किले के विस्तार और मरम्मत पर काम किया और जो शानदार किला आज हम देखते हैं वो इन्हीं की देन है। किले की वास्तुकला मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक मिश्रण है। इसमें छतरियां हैं, छज्जे हैं और भीतर शीशे का काम है। किले के स्तंभ सुंदर रूपांकनों से सजे हुए हैं। कोटागढ़ के मुख्य आकर्षण में से एक है बड़ा महल, जो कभी राजा की रिहाइश हुआ करता था। महल की कुछ बेहतरीन पेंटिंग बड़ा महल की दीवारों पर लगी हुई हैं। दरअसल ये महल चित्रकला के कोटा स्कूल से संबंधित अपने सुंदर चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्रकला 17वीं सदी में विकसित हुई थी। इन चित्रों में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों, जीवों, शिकार और जुलूस के दृश्य के साथ ही भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया है, जो इस क्षेत्र के प्रमुख देवताओं में से एक है। अपनी रंग योजनाओं, विषयों और भावनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध ये पेंटिंग बस देखते ही बनती है। किले के भीतर कुछ शानदार महल और मंडप हैं। राजमहल के परिसर में हमें एक समय के दरबारों की एक झलक मिलती है। यहीं पर राजा अपने दरबार लगाया करते थे। ये खूबसूरत चित्रों और शीशों के शानदार काम से सजा हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत में शाही परिवार ने अपने निवास के लिए कोटागढ़ के बजाय शहर के अंदर बने उम्मेद भवन महल को चुन लिया। उम्मेद भवन, जिसे सन 1905 के आसपास महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने बनवाया था। आज कोटागढ़ में महाराव माधो सिंह संग्रहालय है, जिसे जरूर देखा जाना चाहिए। इसमें छोटे आकार की कई राजपूत पेंटिंग, तरह तरह के हथियार और शाही परिवार की कई अन्य चीजों का एक बड़ा संग्रह है। किले के भीतर महल और संग्रहालय कोटा के इतिहास के गौरवशाली और शानदार दिनों के गवाह हैं।